में एसटी एससी ओबीसी कल्याण के संदर्भ में ये सुझाव आमंत्रित है विभिन्न सामाजिक और विशेषज्ञों के माध्यम से, तो ये आकलन करके राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। विधानसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित हुआ था, क्या लोकसभा में भी यही उम्मीद है कांग्रेस को? लोगों से जुड़ के जो भी काम होगा तो निसंदेह वो उस पार्टी को मदद करेगा, सहयोग करेगा। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे आज वो भी अभी तक देश की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पूरा करने में सफलता हासिल नहीं की और ना लोग उसको, मैं समझता हूँ कि सही मायने में समझ पाए। दो प्रमुख मुद्दे जो उस घोषणा पत्र में थे वो थे राइट टू हाउसिंग। आज हम घर देने की बात कर रहे हैं, 2025 तक घर का अधिकार देश के हर नागरिक को होगा। हम उसको कंसेप्ट को समझ भी नहीं पाए, शायद हम समझा भी नहीं पाए और आज भी वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अधिकारों को हमने देखा लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार जो 2014 के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के घोषणा पत्र में था उसको भी मैं समझता हूँ कि लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या कांग्रेस पार्टी कितनी क्रांतिकारी बात को सामने रख रही है और ऐसे ही बातों को सामने लाकर मैं समझता हूँ कि देश का इस बार घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें सार्वजनिक तौर पे लोगों की भी भागीदारी होगी और उससे वो संदेश भी जाएगा कि हाँ ये जो मुद्दे हैं ये केवल ऊपरी ऊपर से नहीं बने हैं, लोगों के सुझाव को लेके बनाया गया है, तो उसका असर कहीं जाता है। कर्जा माफी भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा। कर्जा माफी निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा माना है, राज्यों ने अपना दायित्व लिया है और यूपीए की सरकार ने 70 से 80 हजार करोड़ का ऋण मुक्ति का एक निर्णय पहले लिया था। मैं समझता हूं कि सुझाव में, हालांकि ये विषय आज के परिचर्चा का नहीं है लेकिन फिर भी ये सुझाव जरूर जाएगा कि किसानों के कर्ज के संदर्भ में भी जो नई सरकार आए उस पर विचार करें। सर, एक अश्लील सीडी कांड में कल एफिडेविट पेश हुआ है कोर्ट में, तो उस पर क्या कहेंगे? किसके संदर्भ? एक अश्लील सीडी जो राजेश मूलक जी की सीडी, अश्लील सीडी कांड था, उस पर एक एफिडेविट पेश हुआ है कोर्ट में। वो प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट इत्यादि की प्रक्रियाएं हैं, वो तो चलती रहेंगी। एफआईआर दर्ज हुआ था तो एफआईआर दर्ज के बाद में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो अपना अपना रास्ता लेंगे। राज्य सरकार ने यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ही बुनियादी परिवर्तित योजना को रखा है जो इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल से हटके नेशनल हेल्थ स्कीम के तर्ज पे, अर्थात सरकार पूरे खर्च को वह करेगी, इंश्योरेंस कंपनी बीच में नहीं आती। इंश्योरेंस कंपनी का जो मॉडल है, आयुष्मान का भी जो मॉडल है, एक इसमें 1100 रुपये का कैप है, 1100 रुपये में से 660 रुपये राज्य सरकार को और 440 रुपये केंद्र सरकार को देना है। तो इतना खर्चा अगर राज्य सरकार को करना ही है तो कई राज्यों ने इसको अडॉप्ट भी नहीं किया। तमिलनाडु ने नहीं किया, आंध्र ने नहीं किया होगा, उड़ीसा ने नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने नहीं किया। तो राज्य के ही खर्चे से केंद्र की सरकार अपना नाम कमाने की कोशिश कर रही है और इसमें अड़चन कहाँ आती है? मेरे पास भी कार्ड है, आपके पास भी कार्ड है, क्या हर कार्ड को निजी अस्पताल स्वीकार कर रहे हैं? निजी अस्पताल कहते हैं, पहले भी ये तो अब 5 लाख वाला ये आयुष्मान अभी आया है, पहले भी जब 30,000 या 50,000 के लिमिट के कार्ड थे तो उस समय भी अनेकों उदाहरण आपके भी जानकारी में होंगे कि निजी अस्पतालों में जब कार्ड धारक जाते थे तो डॉक्टर कहते थे कि हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो कार्ड आप बनाओगे और लागू नहीं है तो लाभ किसको मिलेगा? फिर लाभ मिलेगा तो राज्य की सरकार, तो राज्य सरकार से ही लाभ मिलना है तो बीमा कंपनी को पैसा क्यों देना? आप बजट बढ़ाइए और डायग्नोस्टिक से लेकर दवाई से लेकर ऑपरेशन का पूरा खर्चा राज्य की सरकार अपने नागरिकों के लिए वहन करे। और यही राइट टू हेल्थ 2014 के घोषणा पत्र में अंकित था, हम लोग उसको छत्तीसगढ़ में लागू करना चाहते हैं। ठीक है बात, थैंक यू। मंत्री जी का विजुअल बन जाए फिर। हाँ, बहुत जरूरी है, आपके साथ उसके बिना क्या मतलब? दादी तेलुगु देसी जाएगा इधर, तुम आता नहीं, बुलाता नहीं, मैं क्यों आऊंगा? अरे क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी होगा?
और बताओ कौन लोग? ये लोग, ये तो पुराने हैं सर, सब पुराने, आप बस नए हो गए। नदीम भी हटो यार, ये कौन है? हिंदू पिता जी हैं आप। हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो खड़े हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैठे सब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। इधर देखिए सर, सर आप प्लीज थैंक यू सर। सर रिसर्च विभाग के कोऑर्डिनेटर अमोल देशमुख जी भी आज उपस्थित रहे हमारे बीच इस पत्रकार वार्ता में। बिंदु कृष्णा जी जो केरल से बिलोंग करती हैं और पूरे देश में घोषणा पत्र बनाने के काम में सहयोग कर रही हैं, वे भी उपस्थित हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री श्री गिरीश देवांगन जी, संचार विभाग की सदस्य किरणमयी नायक, मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी, प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष रायपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राकेश गुप्ता जिन्होंने आज बड़ी अहम भूमिका निभाई चिकित्सक बिरादरी का सुझाव लाने के काम में। इद्रिस गांधी जी रिसर्च विभाग से हैं, हमारे सोशल मीडिया के जयवर्धन जी और सभी पत्रकार साथियों, आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके विषय में सवेरे फुटेज वगैरह बन गए थे, लेकिन जानकारी देने के लिए आप सबको यहां बुलाया गया है। आदरणीय ताम्रध्वज भैया आप लोगों को आज के कार्यक्रम के और जो जन घोषणा पत्र और स्वास्थ्य के विषय में राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष जी के कार्यक्रम है इसके विषय में जानकारी दे। जैसा कि आप सबको जानकारी है 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, राजनीतिक दल चुनाव के पहले अपना अब तक का ये सिस्टम रहा है घोषणा पत्र जारी करते कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे जनता के लिए पूरे देश में, ये घोषणा पत्र लिखा हुआ होता है जारी करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। पर पहली बार इस देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का सोच रहा कि घोषणा पत्र का निर्माण पहले जो होता रहा है वो ऑफिस में बैठ के या कमरे में बैठ के चंद नेताओं के द्वारा बनाया जाता रहा कि हमको वोट कलेक्शन के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये घोषणा पत्र में उल्लेख किया जाता रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले आप सबको विदित होगा कि माननीय राहुल गांधी जी पूरे भारतवर्ष का दौरा कर रहे थे, नाम कई लोगों ने दे दिया भारत दर्शन, बहुत पहले की बात। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि राहुल गांधी अभी भारत दर्शन कर रहे, लेकिन उनके पीछे उनका जो लॉजिक था, सोच था, वो आज सबके सामने आ रहा है। उनकी बड़ी साफ मंशा है कि घोषणा पत्र खाली घोषणा ना हो, अमली जामा पहनाया जाए और जनता जो चाहती है वो हमको करना चाहिए, ये घोषणा पत्र में शामिल होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके इच्छा के अनुसार हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र नहीं था वो, जन घोषणा पत्र था जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ में आपके हमारे सामने जनता ने पसंद किया और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। ऐसा ही लोकसभा चुनाव 2019
को सामने रखते हुए जनता की आवाज जन आवाज नाम से ये तैयारी की जा रही है और जो कमेटी बनी है आदरणीय पी चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में हमारी दिल्ली में जब बैठकें हुई तो तय ये किया गया कि घोषणा पत्र के लिए हर प्रदेश में अधिक से अधिक हम लोग पहुंचे और जनता के अलग अलग वर्गों से हमारा संपर्क हो, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, महिला हो, डॉक्टर हो, एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो, सारे लोगों से हम संपर्क करें और वो चाहते क्या है उसके अनुसार हमारा जन घोषणा पत्र तैयार हो। उसी बात को सामने रखकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो घोषणा पत्र बनाने की जो समिति हमारी बनी, जिसमें जैसा कि शैलेश भाई ने बताया मैं भी उसमें एक मेंबर हूं, मुझे बनाया गया, हम लोग 24 इसके ग्रुप बनाए। जो घोषणा पत्र हमारी समिति है ऑल इंडिया की, 24 ग्रुप बना करके अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं और अलग अलग बिंदुओं पर वहां चर्चा कर रहे हैं। उन चर्चाओं को सेंट्रल एआईसीसी लेबर पर बाद में कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल करने के बाद हमारे यहाँ आदरणीय राहुल जी की एक रिसर्च टीम है जिसके मेंबर्स हमारे डॉक्टर अमोल देशमुख जी उनके जो कोऑर्डिनेटर हो यहाँ हैं ऑल इंडिया लेवल पे, हमारी रिसर्च विंग है अलग से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, वहां जाएगी रिसर्च विंग, उस पर रिसर्च करेगी, जहां जहां और जानकारियां लेने का होगा रिसर्च करके जानकारियां लेके फिर हमारा जन घोषणा पत्र तैयार होगा। इस सिलसिले में आज जो हमारी कमेटी आई है यहाँ, आदरणीय के राजू जो हमारे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के मुख्य सचिव के रूप में है वो हैं, आदरणीय बिंदु जी यहाँ पर हैं, मैं हूँ और डॉक्टर अमोल जी हैं, हम लोग दिल्ली कमेटी से हैं, हालांकि मैं यहाँ से हूँ पर उस कमेटी में हूँ यहाँ, और हमारे प्रदेश के सभी, शैलेश भाई ने नाम बताया आप सब जानते हैं मंच में हैं, आदरणीय पुनिया जी भी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, शाम को फिर आएंगे। अभी पहला राउंड जो अभी हुआ है, पहला सेकेंड फेज अभी फिर होगा, तो पहले में आदरणीय राहुल जी का एक है राइट टू हेल्थ, इस पर फोकस है हमारा। ये पहला राउंड जो अभी हुआ उसमें मूल रूप से खाद्य सुरक्षा और पोषण, स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू, तो सब हमारा पहले चला था, तो उसी बेस पे आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट का सोच है स्वास्थ्य के विषय में, हर अधिक व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो का प्रश्न नहीं, हर व्यक्ति को जो बीमार होता है स्वास्थ्य के विषय में इलाज के लिए उसका अधिकार होना चाहिए, ये उनका एक कॉन्सेप्ट है, उस पर अभी चर्चाएं हुई। और हेल्थ से संबंधित और खाद्य सुरक्षा से संबंधित लोग, एनजीओ के लोग, डॉक्टर लोग, जनप्रतिनिधिगण सारे जो हैं वो आए थे, उन्होंने जो अपना सुझाव दिया, डॉक्टर अमोल देशमुख जी बताएंगे आपको कि क्या क्या जानकारियां अभी आई हैं। और सेकेंड में जो अभी हम लोग शुरू करेंगे वो है एससी एसटी ओबीसी, इस पर फोकस है हमारा सेकेंड फेज, उस पर अभी जानकारियां, अब बैठेंगे तो चलेगी 2-3 घंटे की मीटिंग, उसमें वो सब आएगा जानकारी। तो कुल मिलाकर इस बार जो हम 2019 के लोकसभा चुनाव की जो हमारी तैयारियां लगातार अभी साल भर से चल रहा है, क्योंकि और उसमें अलग अलग विंग्स, अलग अलग पार्ट, अलग अलग लोग पूरे देश में अलग अलग जिम्मेदारियां लेकर निकले हुए हैं, कर रहे हैं, हमारे 50 विंग्स काम कर रहे हैं ऑल इंडिया में, उसके तहत आज का ये मीटिंग था। तो मैं डॉक्टर अमोल देशमुख जी से चाहूंगा कि जो जानकारियां आज कलेक्ट उनके सामने हुई हैं उसकी जानकारी। साहू जी ने बताया 11:30 से 2:30 बजे तक का जो सेशन था वो हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर था। उसमें आईएमए के पदाधिकारी थे, उन्होंने काफी सारी चीजें हमको बताई और जो प्रमुख मुद्दे उसमें से आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में
मेडिकल कॉलेजेस काफी हैं, बट 50 सीट्स हैं, कहीं पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अभी शुरू होने की है। ये सारा जो सुझाव था, एक तो आपका मेडिकल एजुकेशन को ठीक करने के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के हिसाब से मेडिकल कॉलेज खोलने से पहले एक मुद्दा वो सामने आया। दूसरा मुद्दा जो पूरे देश में है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हेल्थ की, सारे देश में चाहे वो नर्सिंग लेवल पे हो, स्पेशलिस्ट लेवल पे हो, डॉक्टर लेवल पे हो, इनकी कमतरता है। आदरणीय राहुल गांधी जी का कहना है कि जहां जहां जो जो सेक्टर में जॉब्स अगर बनाई जा सके उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमारे जो दूसरे कंसल्टेशन भी हुए हैं दिल्ली में अलग अलग एसोसिएशन के साथ, छत्तीसगढ़ में, सबने सुझाव दिया है कि नर्स प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से जो ग्रामीण भागों में बाकी जगहों में जाके जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दे सकते हैं, तो उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तीसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर जो 80-85% डिजीज बर्डन जो होता है जनता में, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सब सेंटर डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आयुष्मान भारत निकला है, इन्हीं लोगों ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत जो है इसमें काफी लेवल पे करप्शन चल रहा है, इसका रिव्यू होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने सामने लाई है। कुछ योजनाएं थी उसको रिव्यू करके वापस नए तरीके से देखना चाहिए। जो आयुष डॉक्टर्स हैं 3 साल का जो कोर्स है इंटरिम, उसके ऊपर इन्हीं लोगों का कहना था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैसे अनगिनत जो मुद्दे हैं वो बात सामने आए। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की जब बात करते हैं, राहुल जी का मानना है कि राइट टू हेल्थ, जैसे राइट बेस्ड पैराडाइम हमने अलग अलग योजनाएं निकाली थी, उसी के तहत राइट टू हेल्थ भी आगे लिया जाए कि चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, शहरी भाग का हो, ग्रामीण भाग का हो, हर बंदे का वो राइट हो कि उसको आरोग्य सेवा मिलनी चाहिए। इस तरफ भी हमें कदम उठाने के लिए वैसे भी सुझाव लोगों से आए हैं। फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन में अभी हम पहले रांची में थे, कुछ गए महीने में, वहां भी भूखमरी से जो चीजें हुई हैं उसके लिए सुझाव एनजीओ से वहां से भी लिए थे। उससे पहले हम हरियाणा चंडीगढ़ में थे।